बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, यह सब तो आप जानते ही होंगे कि भारत विभिन्न धर्मों का देश है और यहाँ पर अनेक धार्मिक और राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी विषय की कक्षा में कुछ धार्मिक त्यौहारों के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि कौन सा त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है और वह किस धर्म से संबंधित है या फिर किस धर्म का मुख्य त्यौहार है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र किस त्यौहार से संबंधित है? शाबाश बच्चों, यह चित्र गुरु पर्व से संबंधित है। बच्चों, आइए अब हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। गुरु पर्व गुरु नानक जी के जन्म दिवस के उपलक्ष में मनाया जाता है, इसलिए इसे गुरु नानक जयंती के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पर्व का अर्थ है गुरुओं का उत्सव। बच्चों, यह त्यौहार सिख धर्म का मुख्य त्यौहार है। इस दिन गुरुद्वारों को बहुत ही सुंदरता से सजाया जाता है। जगह जगह गुरुद्वारों में कीर्तन और लंगर करवाया जाता है। बच्चों, अब देखिए यह चित्र किस त्यौहार का दिखलाई पड़ता है? शाबाश बच्चों, यह चित्र ईद का है। बच्चों, ईद मुस्लिम समुदाय का प्रमुख त्यौहार है। इसकी तैयारी कई महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है। इस दिन सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद सभी एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। बच्चों, यह त्यौहार मुस्लिम धर्म में बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है। बच्चों, अब इस चित्र को देखिए और पहचानिए यह चित्र किस त्यौहार का है। शाबाश बच्चों, यह चित्र क्रिसमस का है और जहाँ तक मुझे पता है, आप सभी को क्रिसमस मनाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस कब और कैसे मनाया जाता है? नहीं जानते ना? तो चलिए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, क्रिसमस ईसाई धर्म का मुख्य त्यौहार है। यह हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह साल के अंत में आने वाला सबसे बड़ा और पवित्र त्यौहार है। बच्चों, इस पर्व को प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है। इस दिन गिरिजाघरों को सजाकर वहां प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाता है। क्रिसमस के दिन सभी नए नए वस्त्र पहनते हैं और गिरिजाघरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। बच्चों, इस दिन अनेक प्रकार के उपहार और मिठाइयों का लेन देन भी होता है। लोग धन्यवाद गीत गाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। बच्चों, आइए अब इस चित्र को देखिए और बताइए यह चित्र किस त्यौहार का है। शाबाश बच्चों, यह चित्र दीपावली का है। बच्चों, आइए अब हम दीपावली के बारे में विस्तार से जानते हैं। बच्चों, दीपावली त्यौहार हिंदू धर्म का मुख्य त्यौहार है। यह त्यौहार श्री राम के
14 वर्ष पश्चात अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन सभी अपने घरों में घी के दिए जलाकर घर को रोशन करते हैं और बच्चे फुलझड़ियाँ और पटाखे जलाकर खुशियाँ मनाते हैं। बच्चों, दीपावली के दिन सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बच्चों, दीपावली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश लाता है। और बच्चों, हमें सभी त्यौहार आपस में मिलजुल कर और प्रेम से मनाने चाहिए। धन्यवाद बच्चों।